नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रामायण में सीता बनी दीपिका ने शेयर किया मेन, प्रभु आपने बताया नहीं आप नेपाली हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरीके की आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्विटर से ये पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, यहाँ तक कि हनुमान जी भी सोच विचार में हैं। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों को इसमें टैग भी किया है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में रिपीट टेलीकास्ट में सीरियल रामायण खूब हिट हुआ। इसके कैरेक्टर भी खूब चर्चा में आए। साथ ही चर्चा श्री राम को लेकर भी हो रही है, क्योंकि नेपाल के पीएम ने उनके जन्म स्थान को लेकर नया दावा जो किया है। इस पर रामायण में सीता का कैरेक्टर निभाने वाली दीपिका चिखलिया टोपी वाला ने एक मीम शेयर किया है। उस पोस्ट में हनुमान जी श्री राम से पूछते दिख रहे हैं, प्रभु आपने बताया नहीं आप नेपाली हो। दीपिका ने शेयर की पोस्ट। दीपिका ने ट्विटर पर यह पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, यहाँ तक कि हनुमान जी भी सोच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों को इसमें टैग भी किया है। सीता के किरदार में दीपिका को काफी प्रसिद्धि मिली थी, हालांकि फिर फिल्मों या अन्य किसी सीरियल्स में उन्हें इतनी अहमियत नहीं मिली। वह फिल्मों में अभी भी एक्टिव है। हाल में ही आयुष्मान खुराना स्टारर बाला में वह यामी गौतम की माँ के किरदार में नजर आई थी। भारत नेपाल के रिश्ते में पिछले कुछ महीने से थोड़ा तनाव आया है। इस बीच नेपाल के पीएम ओली ने कुछ दिनों पहले श्री राम और अयोध्या को लेकर बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल के पीएम ने दावा किया था कि असली अयोध्या नेपाल में है। साथ ही उन्होंने कहा था कि श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था, वे एक नेपाली राजकुमार थे। उनके इस दावे की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। यही नहीं, ओली ने हाल में कई ऐसे बयान दिए जिनमें भारत नेपाल के रिश्ते को लेकर तनाव बढ़ा है। पिछले कुछ महीने में उस वक्त विवाद बढ़ गया था जब नेपाल ने भारत के इलाकों को अपना बताते हुए नक्शे में शामिल कर लिया था। ओली सरकार ने उसे संसद से पास भी करा लिया है। भारत ने इस पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताते हुए बातचीत के टेबल पर आने के लिए कहा था।